नमस्कार साथियों, एक नई खबर आई है जो आपको फिफ्थ और एट्थ क्लास के पेपर से रिलेटेड है। फिफ्थ और एट्थ क्लास का मैथ का पेपर जो ऑलरेडी 3 तारीख को होना था उसको स्थगित कर दिया गया था। हम ये मान सकते हैं कि महावीर जयंती के उपलक्ष्य में शायद हो सकता है उस कार्यक्रम को स्थगित किया गया, और नई सूचना आने तक मैं आपको खबर कर दूंगा। अभी नई खबर यह है कि सवालों के जो घेरा है वो है कि 8th क्लास का जो संस्कृत का पेपर है लीक होने के कारण उसको रद्द कर दिया गया और इसकी परीक्षा दोबारा होगी। बोर्ड के भी जो 10th 12th के पेपर थे उसके बाद, ये दैनिक भास्कर की खबर है, 10th 12th के बाद अब 8th क्लास जो संस्कृत का पेपर था वो भी लीक हो गया है, वो फिर से होगी ये परीक्षा। राज्य शिक्षा केंद्र ने परीक्षा की नई तारीख का ऐलान नहीं किया है। परीक्षाओं के पेपर लीक होने के मामले में स्कूल शिक्षा विभाग की मुसीबत कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। एमपी बोर्ड में 10वीं और 12वीं के बाद अब राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा भी संचालित जो 8th का स्टेट बोर्ड पैटर्न की परीक्षा 1 अप्रैल को हुआ था, संस्कृत का पेपर लीक होने की वजह से अब इसे दोबारा लिया जाएगा। ठीक है, गोपनीयता भंग हुई है इसके कारण इसको दोबारा लेने का सोचा गया है। स्कूल से नहीं हुआ ये पेपर लीक। आरएसके के डायरेक्टर धनुराज एस का कहना है कि ये कंफर्म हो गया है कि पेपर स्कूल से लीक नहीं हुआ, जांच शुरू कर दी गई है और जिम्मेदारी पर जो 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 भी जिम्मेदार है इसके लिए कार्रवाई की जाएगी। तो कल होना था जो 3 तारीख को होना था मैथ का पेपर, वो भी लीक कर दिया गया है। नई तारीख मैं आपको जल्दी बता दूँगा, जैसे ही मेरे पास अगर इनका आरएसके का नोटिफिकेशन आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नई जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और प्रारब्ध शिक्षा को जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, और जब तक पेपर की नई डेट नहीं आती आप सब बच्चे पढ़ते रहिए। थैंक यू।